इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी गवर्नमेंट के सभी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी स्कीम चलाई जाती हैं उसका जो बेनिफिट होता है, यानी कि जो उसका पेमेंट होता है, वो हमको डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आप सभी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका भी अकाउंट किसी भी बैंक में खुला हुआ है और आपके अकाउंट में आधार NPCI यानी कि DBT लिंक नहीं है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट दो ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसके माध्यम से अगर आप यहाँ पे अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में 100% आधार NPCI लिंक हो जाएगा। तो क्या उसका प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आप भी गवर्नमेंट के सभी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं और आपका भी अकाउंट खुला हुआ है और आपके अकाउंट में आधार NPCI लिंक नहीं है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने अकाउंट में आधार NPCI को लिंक करने के लिए, अगर आपका किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको अपने बैंक में आधार NPCI को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है DBT, ठीक है, मतलब आपको यहाँ DBT लिख के सर्च करना है। DBT लिख के आप जैसे सर्च करिएगा तो यहाँ जो पहला लिंक देखने को मिलता है dbtbharat.gov.in, आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना। जो पहला लिंक है आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना। यहाँ देखते हैं ये DBT का पोर्टल है, डायरेक्ट यहाँ टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। DBT का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो हमको बेनिफिट दिया जाता है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो भी आधार कार्ड के माध्यम से, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि कितने यहाँ पे ट्रांसफर किए गए, कितने बेनिफिट है, कितना ट्रांजेक्शन हो चुका है और कितने स्कीम है। 314 स्कीम का पैसा हमको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के से दिया जाता है और कितने मिनिस्ट्रीज हैं, कितने, आपको पूरा डिटेल यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिलता है थ्री लाइन, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको देखने मिलता है DBT पेमेंट, तो यहाँ आप DBT पेमेंट पर जितनी भी सर्विस है सबको देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आधार UIDI का एक ऑप्शन, आपको इसी आधार UIDI वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो पहले हम पहले तरीके के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे जो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। अब आपको यहां पे देखने को मिलता है आधार UIDI, उसके नीचे देखने को मिल जाएगा सिटीजन कॉर्नर का ऑप्शन जो कि यहां पे न्यू का बिलिंग कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिएगा आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहां पर सबसे पहले काम आपको करना है यहां पर सिटीजन बैंक अकाउंट आधार सीडिंग स्टेटस, आपको यहां पर क्या करना है, जो नीचे से यहां पर देखने दूसरा है और ऊपर से चौथा है उसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे क्लिक करेगा तो यहां पर UIDI पोर्टल पर आप लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ आपको देखने मिलता है लॉग इन का ऑप्शन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लॉग इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉग इन ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेगा देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जिनके अकाउंट में आधार को लिंक करना है उनके यहाँ पर अकाउंट आधार नंबर को यहाँ पर टाइप करना है, कैप्चा कोड को यहाँ पे टाइप करना है, सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इतना जब कर दीजिएगा तब के आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP को सेंड किया जाएगा, OTP को हमें फिल करना है और यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना। देख सकते हैं आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा, जो आपका आधार कार्ड का डैशबोर्ड रहेगा वो आप उस डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर आधार OTP को टाइप करके लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा इरर आता है हम पहली बार में लॉगिन नहीं हो पाता तो आपको दोबारा ट्राई कर लेना है, आप दोबारा में लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आप देखिएगा बैंक सीडिंग स्टेटस, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे देखिएगा बैंक सीडिंग स्टेटस का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको सबसे पहले इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो यहां पे देखिएगा आपका यहां पे आधार कार्ड का जो लास्ट का 4 डिजिट है वो आपको देखने को मिलेगा। आपका बैंक नेम देखने को मिलता है, अगर आपका बैंक यहां पे देखने पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बैंक सीडिंग स्टेटस जो है वो एक्टिव देखने को मिल रहा है, तो पहले आपको इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा लास्ट अपडेट जो हुआ है 2/8/2023, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया गया है तो वो आधार कार्ड के माध्यम से आपके आधार कार्ड में यही अकाउंट लिंक है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर आपका एक्टिव दिख रहा है और यहाँ पे बैंक अकाउंट देखने को मिल रहा है, ये अकाउंट अगर आपका ओपन है तो आपको कोई भी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आपको आधार NPCI लिंक करने का कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी आधार कार्ड के माध्यम से जो भी DBT का पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा वो इस बैंक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला काम आपको ये कर लेना है, अगर आपके अकाउंट में लिंक है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा,
दूसरा ऑप्शन क्या है उसके लिए, अब अगर मान लीजिए आपका लिंक नहीं है या फिर आपका अकाउंट यहाँ पर अगर देखने को मिल जाएगा इनएक्टिव, ठीक है, मान लीजिए ये अकाउंट जो है इनएक्टिव हो चुका है, तो क्या करना है उसके लिए, आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको अपने बैंक जाना है, बैंक जाकर आपको एक EKYC का फॉर्म लेना है, आधार कार्ड को पीछे फोटो कॉपी लगा देना है, बैंक अकाउंट का फोटो कॉपी लगा देना है, अपने फॉर्म को फिल करके जमा कर देना, तो आपका अकाउंट जो है कुछ ही देर में या कुछ ही दिन में, एक ही दो दिन में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आके इसी तरीके से चेक करिएगा तो यहाँ आपको अकाउंट एक्टिव देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपका अकाउंट भी इनएक्टिव नहीं है और आपका अकाउंट यहाँ पर लिंक ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे, आप अपने अकाउंट में लिंक करने के लिए हम आपको दो तरीके बताने वाले। उसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद मान लीजिए आपका अकाउंट जो है वो इंडियन बैंक में है, तो आपको कई हम बैंक के बारे में बता देते हैं। उसके बाद आपको वीडियो में कमेंट करेगा किस बैंक के बारे में नहीं बता पाए, तो फिर हम आपको दूसरा जो तरीका बताएंगे उसमें आप ऑल जो भी बैंक है सभी बैंक के लिए वो तरीका काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इंडियन बैंक है, तो आपको इंडियन बैंक आधार सीडिंग इतना लिखना है, ठीक है, इतना जैसे लिख दीजिएगा, बस आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, पहला जो लिंक देखने को मिला आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं, पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा, यहाँ देखिएगा आधार सीडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, सभी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP को सेंड किया जाएगा, OTP को फिल करना है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर को टाइप करना है, फिर आपको कैप्चा कोड फिल करना है, यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके फिर से नेक्स्ट प्रोसेस सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा, तब आपके आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP को सेंड किया जाएगा, OTP जैसे फिल करेगा तो यहाँ आपका अकाउंट जो है आपके आधार से लिंक हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। अगर मान लीजिए अगर दूसरे बैंक में है, तो आपको जैसे कि मान लीजिए अगर यूनियन बैंक में, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है यूनियन, ठीक है, अब आपको यहाँ पर टाइप करना है यूनियन बैंक आधार सीडिंग, आपको इतना लिखना है, इतना लिख के आपको सर्च कर देना है, पहला जो लिंक देखने को मिल रहा है वो पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा लिंक आधार नंबर टू अकाउंट नंबर, ठीक है, इसके बाद आपको पूरा डिटेल को यहाँ पर फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर टाइप करिएगा, फिर वही अकाउंट नंबर टाइप करिएगा, अपना नाम को यहाँ पर टाइप करिएगा, अपना आधार नंबर टाइप करिएगा, फिर से आधार नंबर को टाइप करिएगा, अपना नाम टाइप करिएगा, मोबाइल नंबर को टाइप करिएगा, ईमेल आईडी को टाइप करिएगा, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, तब के आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर OTP को सेंड किया जाएगा, या फिर आपके मोबाइल में को लिंक किया जो आधार OTP आएगा को फिल करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा, तब के पहली बार आपके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP को सेंड किया जाएगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर उस पर OTP को सेंड किया जाएगा, दोनों OTP को फिल करना और फाइनल सबमिट कर देना, तो यहाँ तक अकाउंट लिंक हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपका अकाउंट फिर भी लिंक नहीं हो पा रहा है, किसी अदर बैंक में लिंक नहीं कर पा रहे, तो आपको उसके लिए एक नेट ऐप को ओपन करना है, नेट ऐप ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना DBT, ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे DBT लिख के आपको सर्च करना है, DBT लिख के सर्च करिएगा, पहला वाला लिंक जो देखने को मिलता है पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा थीलैंड, आपको इस थीलैंड पे क्लिक करना है, थीलैंड पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन, ठीक है, अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखने को मिलता है आधार या UIDAI, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ आपको देखने को मिलता है सिटीजन कॉर्नर का ऑप्शन, आपको सिटीजन कॉर्नर ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिएगा बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI, आपको इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपके सामने एक पेज नया ओपन हो जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको नीचे आना है, इसको ले जाकर अपने आसपास में जो भी CSC सेंटर वाले होंगे या फिर कोई भी साइबर कैफे होगा वहाँ आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, निकलवाने के बाद पूरा डिटेल को आपको फिल करना है, जो भी डिटेल मांगा गया पूरा डिटेल को फिल करना है, अपना एक सिग्नेचर कर देना है, अपना नाम टाइप करना है, मोबाइल नंबर को टाइप करना है, अपने ईमेल आईडी को टाइप कर देना है, इसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉपी ऑफ आधार, तो आपको एक आधार कार्ड का कॉपी फोटो कॉपी लगा देना है, अपने अकाउंट का फोटो कॉपी इसके पीछे लगा देना है, अपना यहाँ पे अकाउंट का यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर करने के बाद आपको इसको क्या करना है अपने बैंक में ले जाके जमा कर देना है, जो भी आपका बैंक होगा ये ऑल बैंक के लिए, सभी कोई भी बैंक हो सभी बैंक के लिए, तो आपको क्या करना है बस बैंक में ले जाके अपने जमा कर देना, अपना फोटो कॉपी लगा दीजिएगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड के साथ साथ अपने यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आधार कार्ड फोटो कॉपी रहेगा, अकाउंट का फोटो कॉपी रहेगा, तो आपको अपने बैंक में ले जाकर जमा कर देना, तो आपका हैंड टू हैंड आपका वहाँ पे एक या दो दिन में आपके आधार NPCI को लिंक कर देंगे, और जिस तरीके से पहले हम बताए थे उसी तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिंक हो जाएगा, तो पहले जैसे हम स्टेटस को चेक करना बताया था उसी तरीके से आप एक दो दिन बाद स्टेटस को चेक करिएगा तो आपका यहाँ पर आधार NPCI देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।